सहारनपुर लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो क्या है इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग मेरे चैनल पे नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सीधा चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं क्या बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों ये देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आपका आवेदन के 30 से 45 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में 10,000 का अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपने भी सारा रिफंड पोर्टल पर अभी तक आवेदन नहीं किया है, बिल्कुल भी डर ना लगते हुए जल्द से जल्द आवेदन कर डालिए। जैसा ही आवेदन की स्थिति स्वीकृत कर लिया जाता है तो आपके बैंक खाते में आपका क्लेम अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से चेक करें, जिन भी लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना रिफंड क्लेम किया था उन लोगों के पास शहर की तरफ से मैसेज मोबाइल फोन पर भेजे जा रहे हैं। दी गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शहर की तरफ से किस प्रकार का मैसेज सभी कस्टमर के मोबाइल फोन पर आ रहा है। उसके बाद ये देखिए, इस मैसेज में आपको मोबाइल नंबर पर क्लेम किए गए एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ आपका अकाउंट नंबर और रिसेप्शन नंबर भी नजर आ रहा है। दरअसल जैसे ही आप लोगों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आप सभी को मैसेज के रूप में एप्लीकेशन नंबर और रिसेप्शन नंबर दे दिया जाता है। इस नंबर के जरिए आप फ्यूचर में किसी भी प्रकार की डिटेल को चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास मैसेज आ रहा है तो आपको इसमें दो ऑप्शन यानी कि इसमें दो नंबर मिलेंगे। उस नंबर से जो है आप फ्यूचर में कभी भी जो है चेक करके देख सकते हैं क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वंचित हैं और बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट, यानी 5 लाख फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो फिलहाल आप लोग को थोड़ा सावधानी से जो है ऑनलाइन कराना है और अच्छे से कराना है, सब डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, नहीं तो जो है आपका भी कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। इसलिए दोस्तों थोड़ा सावधानी से ही करना है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।